हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिका और वेलकम टू रुचिकास गुड फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ला या फिर आप कह सकते हैं दही वड़ा। ये नॉर्थ इंडिया की बहुत ही पॉपुलर डिश है, स्पेशली दिल्ली में और पंजाब में ये काफी पसंद की जाती है। साउथ में इसे दही वड़ा के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में भी इसे काफी पसंद किया जाता है। ये वड़ा बाहर से जितना क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी कि आप इतना सॉफ्ट वड़ा कैसे बना सकते हैं घर पे आसानी से। तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेलकम टू रुचिकास गुड फूड। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं दही भल्ला। चलिए फ्रेंड्स, हम दही भल्लों की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक कटोरी से मेजरमेंट ले लेंगे। एक कटोरी मूंग दाल और एक कटोरी हम यहाँ पे उड़द दाल लेंगे और इसे ओवरनाइट के लिए सोक करके रख देंगे। हम यहाँ पे दाल में से सारा का सारा पानी निकाल लेंगे क्योंकि हमें दाल को यहाँ पे ग्राइंड करना है। अब हम दाल को एक एक करके ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले उड़द दाल को मिक्सी में डालेंगे। इस स्टेज पे हमें यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, अभी हम इसे बिना पानी के ही ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी दाल यहाँ पे दरदरी हुई है। यहाँ पे हम अब 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी हमें बहुत धीरे धीरे ही ऐड करना है और इसे दोबारा से हम ग्राइंड करेंगे। मैंने यहाँ पे दाल को हल्का सा दरदरा रखा है, अगर आप चाहें तो इसका स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। अब हम इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने मूंग दाल को भी ग्राइंड कर लिया था और उसको हल्का सा दरदरा रखा है, अब मैं उसको उसी बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत का काम करना है। हम यहाँ पे अपने हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लगातार इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए घुमाएंगे। हमें यहाँ पे इसे 6 से 7 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा बैटर जब हमने स्टार्ट किया था और इस समय 6 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें इसे लगातार मिक्स करते हुए, इसका टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। चलिए यहाँ पे हम बैटर को चेक करते हैं। यहाँ पे हम बैटर थोड़ा सा अपने हाथ में लेंगे और उसे उल्टा करके देखेंगे। अगर बैटर नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे दूसरे बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे और उसमें हींग ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको साइड पे अलग से रख देंगे। अब हम अपने बैटर को तैयार करते हैं। 1.5 छोटा चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच अदरक ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची काट के अच्छे से चॉप करके ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पे किशमिश ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे धीरे धीरे ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमारा बैटर फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल को मीडियम हॉट गर्म कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने फिंगर्स को ठंडे पानी में डिप करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप में लेंगे। यहाँ पे मैं मीडियम हॉट तेल में धीरे धीरे भल्ले ऐड करूंगी। ध्यान रखिएगा आपका हाथ यहाँ पे जले नहीं, आपको इसे भल्ले को ऊपर से ही ड्रॉप करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से धीरे धीरे भल्ले ऐड कर रही हूँ वैसे ही करना है। अब हम भल्लों को मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे और इसके ऊपर गरम गरम हम तेल डालेंगे ताकि हमारे भल्ले ऊपर और नीचे दोनों से अच्छे से फ्लफी हो जाए। हमें यहाँ पे भल्लों को लगातार हिलाते हुए इसे फ्राई करना है और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे भल्ले गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें इसे मीडियम हॉट ऑयल पे ही फ्राई करना है वरना हमारे भल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, इस स्टेज पे अब हमारे भल्ले अच्छे से बन गए हैं। अब हम इसे पैन में से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एक प्लेट में टिश्यू रखेंगे और टिश्यू के ऊपर हम सारे भल्ले निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से रिलीज हो जाए।
देखिए हमारे भल्ले रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने आधा बैच ही रेडी करा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भल्ला अंदर से कैसा बना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट है, और बाहर से ये उतना ही क्रिस्पी है। अब हम यहाँ पे जो हमारा हींग और नमक का पानी रेडी करा था, हम उसमें अपने फ्राइड भल्ले ऐड कर देंगे। ये भल्ले फ्रेंड्स हमें इमीडिएटली ऐड करने हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम 30 टू 40 मिनट्स के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। दही भल्ले बनाने के लिए मिंट और पुदीने की चटनी और इमली की चटनी चाहिए होती है। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल में शेयर कर दी थी, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पे इमली की चटनी में थोड़ी सी किशमिश ऐड कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। यहाँ पे हम एक बर्तन में 500 ग्राम ठंडा दही या फिर योगर्ट आप ले सकते हैं, उसको हम विस्क की सहायता से अच्छे से मिक्स करते हुए स्मूथ बनाएंगे। इसे मैंने बहुत अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच पाउडर शुगर ऐड करूंगी। स्वाद अनुसार हमें इसमें नमक ऐड करूंगी, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी ताकि शुगर और नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और अपने भल्लों की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे जो भल्ले हमने सोक करके रखे थे उसमें से एक भल्ला लेंगे, और अपने दोनों हाथों के बीच में अच्छे से उसे प्रेस करेंगे। हमें यहाँ पे बहुत जेंटली प्रेस करना है ताकि हमारा भल्ला टूटे नहीं और सारा पानी उसमें से ना निकले। अब हम इन भल्लों को प्लेट में या किसी ट्रे में अरेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 6 भल्ले एक प्लेट में अरेंज कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने कर्ड रेडी करा था वो डालेंगे। आप यहाँ पे कर्ड अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जीरे को तवे पे रोस्ट करके उसको अच्छे से क्रश कर लिया था, वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करूंगी, जो बहुत ही मजेदार होती है और भल्लों के टेस्ट को बिल्कुल डबल कर देती है। साथ ही साथ अब हम इसमें धनिया और पुदीने की चटनी ऐड करेंगे, तो हो गया ना खट्टी मीठी चटनी का स्वाद। आप यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अनार के दाने और सेब भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको किसी भी फेस्टिवल पे, किसी पार्टी पे, या किसी भी ओकेजन पे, या फिर वैसे ही बना के खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।